अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? जुमा मुबारक, बहुत बहुत मुबारक दोस्तों। आज मुझे इस्तांबुल के शहर तकसीम स्क्वायर में नमाज जुमा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह का करम हुआ, ये उसकी शान है कि वो जिसको चाहे अपने घर में बुला ले। दोस्तों, आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो नमाज मैंने आज जावे पढ़ी है, सुकून मिल गया मुझे, और वो कुछ मंजर मैंने इस कैमरे की आंख से आज महफूज कर लिया। यकीन करें कि नमाज के लिए जो अजान हुई उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कुछ लम्हे, कुछ मस्जिद के नज़ारे, जो वहाँ पुरसकून माहौल था उसको मैंने इस कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप भी देखें और आप महसूस करेंगे। स्पेशली जो इमाम साहब ने खुतबा दिया है जुमे के दरमियान, जो होता है जुमे की नमाज़ में होता है खुतबा, हम तो अक्सर अपनी इमाम साहब की सुनते हैं खुतबे, बहुत सारे सुने हैं, वो अक्सर अरबी ज़बान में करते हैं, वो बयान करते रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि वो क्या बयान कर रहे हैं, क्योंकि हमें अरबी नहीं आती, हमें उसकी समझ नहीं आती। आज शाम पर जो खुतबा हुआ है वो टर्किश लैंग्वेज में हुआ है। टर्किश लैंग्वेज तो मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन मेरे आसपास मेरे पड़ोस में जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी ज़बान में बात हो रही थी, अल्लाह और रसूल की बात हो रही थी, और वो बात उनको समझ आ रही थी। जब उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, और यकीन करें कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि या अल्लाह, कि ये तूने मुझे आज कितने पुरसकून और एक अपनी जहाँ पर तेरी रहमत नाजिल हो रही है उसमें तूने मुझे इस महफिल में बढ़ाया। दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल देखें। अगर किसी दोस्त को तुर्की आने का शौक है, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई उस तरह का नहीं, अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉमर्स में पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल उसका तरीक़ाकार बता दूँगा कि आप आसानी से तुर्की में आके विज़िट कर सकते हैं। आइए वीडियो की तरफ और बाकी लम्हात आगे जो नमाज जुमा अदा की गई है उसको सुने। اشهد ان محمدا رسول الله।
vardır ki bütün israfların temeli ve en büyüğüdür. O da kainatın kendisine emanet edildiği insanın israfıdır. Bilinmelidir ki yaratılış gayemizden uzak bir hayat süren her insan kendini israf etmiştir. Allah ve Resulü'nü tanımadan geçirilen bir ömür, israf edilmiş bir ömürdür. İman, ibadet ve güzel ahlaktan yoksun yaşayan bir hayat, israf edilmiş bir hayattır. Kıymetli müminler, bugün hemen her birimizin şikayetçi olduğu israf türlerinden birisi de çevrenin ve doğal kaynakların israf edilmesidir. İnsanoğlunun doymak bilmeyen istekleri, aşırı tüketim ve israf alışkanlığı hayatımızı zorlaştırırken dünyamızı kirleten nice çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Sınırlı kaynaklarımızın sınırsız ve israf edilmesi bir ahlak sorunudur ve tedavi edilmesi gereken manevi bir hastalıktır. Bu hastalıktan kurtulabilmek bilmenin yolu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüketim ahlakını ve tasavvuf anlayışını hayatımıza hakim kılmaktır. Öyleyse aziz Müslümanlar, hayatımızın her alanında israfın yerine tasavvufu hakim kılalım. Tüketirken tükenmeyelim. İsrafı önlemeye kendimizden ve ailemizden başlayalım. Bir lokma ekmeğimiz çöpe gitmesin. Bir damla suyumuz boşa atmasın. Enerjimiz boşa harcanmasın, vaktimiz heder olmasın. İlmimiz, emeğimiz ve birikimlerimiz hasılı insanımızın israf insan. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Eşhedü en